वहीं सरकार की तरफ से लगाम कसने के बाद भी सरकारी महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मीरगंज का है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से आज एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घटना सिंगरा गांव की है। यहां 8 वर्षीय मासूम खेत में बकरी चराने गया था और उसी दौरान बिजली के टूटे तार की चपेट में आ गया। करंट इतना तेज था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मौके के लिए जिम्मेदार बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही जो बरती गई है उस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, या इसे सिर्फ लापरवाही से हुआ हादसा समझकर टाल दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से लगाम कसने के बावजूद सरकारी महकमा जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मीरगंज का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से आज एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घटना जो है सिंगरा गांव की है। यहां पर बताया जा रहा है कि खेत में बच्चा गया हुआ था और बिजली की करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करते हैं तो क्या कुछ अब कार्रवाई होती है ये भी देखना है। चार बजे से लड़का लापता था, बकरी चराने आया था, फिर रास्ते में जा रहा था घर के लिए, रास्ते में तार टूटे पड़े थे तो बत्ती लपेट में आ गया बच्चा। राजेंद्र पंडित मरने से बच गए, तब इन बिजली विभाग के लोगों को मैंने बताया, लेकिन कुछ इन्होंने उसका रिस्पांस नहीं दिया और इतने लापरवाह लोग हैं। कम से कम 10 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूं, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद ये तार टूटा पड़ा है, कई दिन से कंप्लेंट की, लेकिन कोई यहां बिजली विभाग का अधिकारी नहीं आया। लेकिन ये